अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, CS304 की हम सीरीज स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ठीक है, इस कोर्स में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। कोर्स को शुरू करने से पहले मुझे आपका एक ओपिनियन चाहिए। ओपिनियन ये है कि फर्स्ट लेक्चर तो मैं आपको कवर करवाऊंगी आपके हैंड आउट से जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, आपने मुझे ये बताना है कि क्या हम इस कोर्स को हैंड आउट से ही कंटिन्यू करें या मैं इस कोर्स को कोर्स के आपको सेपरेट स्लाइड्स बना के दूं, जिससे हमने MGT 101 में किया था। MGT 101 थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है तो उसको इसलिए मैंने स्लाइड पे कवर कर लिया, लेकिन इसको आई थिंक सो कि हम नोट से भी कर देंगे ना, नोट से भी ये इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपके लिए। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी डिफिकल्टी आ रही है, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता दें। ठीक है, अभी इसी फर्स्ट लेक्चर के ना आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपने इस सीरीज है जो हम कोर्स कवर अप कर रहे हैं, इसको आपने हैंड आउट से स्टार्ट करना है या फिर मैं इसकी सेपरेट स्लाइड बना के आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूँ। ठीक है, तो बेसिक जो काम करना है हमने वो तो जस्ट कॉन्सेप्ट्स भी करने हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तो आपका जो पेपर भी है वो भी आपका इंशाल्लाह बहुत ईजीली कवर अप हो जाएगा। तो बस आपने ये आप मुझे बताना है ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर 2 है उसके फिर आने में टाइम ना लगे, वो आपके कमेंट्स पे बेस करेगा। अगर आप कमेंट्स पे हैंड आउट्स कहेंगे तो फिर मैं हैंड आउट्स पे ही लेक्चर 2 डिलीवर करूंगी, और अगर आप स्लाइड्स पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट 2 से ऑनवर्ड स्लाइड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आपने मुझे लाजमी बताना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हमारे पास कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या करेंगे इसको C++ में करेंगे। आप पहले पढ़ के आ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल प्रोग्रामिंग या फिर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, CS201 का कोर्स आप पढ़ के आ चुके हैं। तो उसके लिए अब जो है आपका नेक्स्ट स्टेप वो आपका है OOP। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम इसको कवर अप करते हैं। इंट्रोडक्शन तो ये आपका होता रहेगा, कोर्स कंटेंट्स जो है ये भी आपके लेटर ऑन कवर होते रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है ये, क्लासेस, ओवरलोडिंग, ये सारे हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, इनको कैसे कवर अप करना है। और अगर आप रेफरेंस बुक में से कोई बुक उठाना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए तो आप इनमें से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आप यहाँ से प्रोग्राम कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आपको जहाँ से भी बुक का प्रोग्राम मिले तो आप उसको उठा लें। ठीक है, क्लासेस हमने यहाँ पे बनानी होती हैं और प्रोग्राम करना होता है, लिखना प्रोग्राम होता है क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, करना आपने प्रोग्रामिंग ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि आप C++ में आपको जहाँ से मिले आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ज़्यादा जो ग्रिप है वो पे होगी। ठीक है, और अगर आप C++ में आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अगर आप C++ में इसको एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको बाकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में मुश्किल नहीं होगी, वो आप ऑटोमेटिकली सीख लेंगे यूट्यूब के शॉर्ट ट्यूटोरियल से। ठीक है, C++ मतलब कंसीडर की जाती है कि जो मेन टफ लैंग्वेज है वो हमारे पास C++ है। अगर आपको ये आ गई तो मतलब आपको सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हमारे पास क्या होती है? ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को, यहाँ पे अगेन हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कंप्यूटर साइंस में, हमारे पास आप पढ़े हैं कंप्यूटर साइंस, इसमें हमारे पास होता है क्या है कि एक आपको प्रॉब्लम दी जाती है, आपको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। आइदर आप कंप्यूटर साइंस में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं प्रोग्राम लिख के। ठीक है, पहले तो हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं, जबकि मैथमेटिक्स में हम क्या होता है, हम मैथमेटिकली उसको सॉल्व करते हैं। होता दोनों में ये है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसलिए जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, जिसको मैथमेटिक्स पे अच्छी ग्रिप है, तो इंशाल्लाह उसको OOP में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। और जिनको नहीं भी ग्रिप तो ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते, वो भी कर लेंगे, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड करने में, थोड़ा सा इसे समझने में ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं, हम जो कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, हम उसको क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस एज हैपेंस इन रियल लाइफ। ठीक है, एक तो जो OOP है वो आपकी रियल लाइफ से बहुत रिलेट करती है। ठीक है, रियल लाइफ में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है या उनका इंटरेक्शन है आपस में। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, यह आगे हम फर्दर मूव करते हैं तो फिर हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, जब भी हम अपने प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट्स में या फिर उनके इंटरेक्शंस के हवाले से देखेंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है,
प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही रहेगी, सेम रहेगी इसमें भी, ऊप में भी, आगे डेटा स्ट्रक्चर में भी, पहले आप प्रोग्रामिंग में भी पढ़ के आए, तो प्रॉब्लम आपकी चेंज नहीं होगी, प्रॉब्लम आपकी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही रहेगी। लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्ट्स और इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व करते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स और इंटरेक्शंस को ही हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, नेम से शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और ये आपकी कहाँ से रिलेट करती है, आपकी रियल लाइफ से रिलेट करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती है। एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आता है, अ पर्सन, लाइक हमारे पास कोई पर्सन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट। अब हाउस, ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, कार भी ऑब्जेक्ट है और ट्री भी ऑब्जेक्ट है। ये सारी आपकी एग्जाम्पल हो जाएगी आपके ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, अब आपको कवर हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या होगी, कोई भी चीज, कोई भी चीज आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी करेंगे। तो अब हमारे पास ये सारे हो गए ऑब्जेक्ट्स, तो अब इनका आपस में हमारे पास रिलेशन क्या है। दीज ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। ये ऑब्जेक्ट्स से हमारे पास जो आपने ऊपर देखे, ठीक है, ये हमारे पास क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे और परफॉर्म क्या करेंगे, ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे ये चार हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अली है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, हाउस है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब अली इस घर में रह रहा है, ठीक है, हाउस में वो रह रहा है, मतलब यहाँ पे क्या इंटरेक्ट कर रहा है वो उस घर से, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी, लिव्स इन इंटरेक्शन, वो उस घर में रह रहा है। ठीक है, अब अली है और कार है, दोनों ऑब्जेक्ट्स है, इनके दरमियान इंटरेक्शन क्या होगी। अगर अली कार ड्राइव करता है तो हम यहाँ पे इंटरेक्शन लगा देंगे ड्राइव्स की, कि अली ड्राइव्स अ कार। ठीक है, ये इनके दरमियान क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया, इनका रिलेशनशिप बन गया आपस में, कि ये अली जो है ये कार चला रहा है। अब अली का ट्री के साथ, हाउस का ट्री के साथ या कार का ट्री के साथ कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं बनाया हुआ, कोई भी इंटरेक्शन नहीं बनाई, लेकिन हम यहाँ पे बना भी सकते हैं। अगर अली ने वो दरख्त लगाया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटरेक्शन बना सकते हैं कि अली प्लांट आ ट्री। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं दी हुई, तो बेटर है कि आप कोई भी इंटरेक्शन ना करें। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे इसकी कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, जस्ट आपको बताया हुआ है कि ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी इंटरेक्शन ना हो। ठीक है, जस्ट ये आपको यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मेंशन किया गया है, वरना इसकी यहाँ से इंटरेक्शन बन सकती है इस भी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल हम किसकी लेते हैं, स्कूल की। अब स्कूल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो स्कूल में हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट, टीचर, बुक, पेन, पेपर, ईच एंड एवरीथिंग आपकी क्या है, स्टूडेंट, ये स्कूल में आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। स्कूल में जो भी चीजें हैं, बेंच है, चेयर है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, वो स्कूल का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इनको हम नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया है, इसको ग्राफिकली मेंशन कर दिया है, पीछे यही चीज उसने जस्ट लिख के बताई थी कि टीचर स्टूडेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे उसने क्या किया है, बता दिया है कि टीचर जो है वो ये है, स्टूडेंट ये है, स्कूल बैग ये है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें उसने जस्ट शो करवा दी है। इसे शो इसलिए करवाया क्योंकि हो सकता है आगे सिर्फ ये इस बुक को उठाए, इसको ग्राफिकली उठाए, इसका नेम ना लिखे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बुक है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और इसका जो नेम है ऑब्जेक्ट का वो आपके पास बुक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसने इसको ग्राफिकली मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सपोज वी वांट टू डेवलप अ फी कलेक्शन सिस्टम। अब हमने फी कलेक्शन सिस्टम बनाना है उस स्कूल के लिए, अब हमने फी कलेक्शन सिस्टम बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमने क्या करना है, फी कलेक्शन सिस्टम बनाना है। अब इसको डिजाइन करने के लिए, इसको डिवेलप करने के लिए हमारे पास जो स्कूल्स है, स्कूल है उसके ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका स्कूल के ऑब्जेक्ट्स का अगर हमें नॉलेज होगा, यहाँ पे जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट्स देख लिए इनका हमारे पास नॉलेज होगा, तो हमें पता चलेगा कि हमने कैसे क्या करना है, कोई भी फी कलेक्शन सिस्टम डिजाइन करना है। अब फी कलेक्शन सिस्टम अगर हम सपोज यहाँ पे ही डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होगी। एक तो स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा जिसकी हमने फी लिखनी है। ठीक है, वो स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास जो भी
जो फी कलेक्शन सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं या उनकी जो इंटेक्शन इन्वॉल्व है उसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लेटर ऑन करेंगे, अभी यहाँ पे जस्ट हमने सपोज किया था कि अगर हमारे पास ये हो तो फिर हम क्या करेंगे, हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। हम पहले उसके ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे और उनके इंटरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे कि फी कलेक्शन सिस्टम के लिए हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है और कौन कौन सा उनका इंटरेक्शन हमारे पास रिक्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन दिस वे वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मेक्स इट इजियर फॉर अस टू सॉल्व आवर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है वो रिलेट ही किससे कर रही है, वो रिलेट कर रही है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से। आप इसमें क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं बाय थिंकिंग सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। रियल वर्ल्ड के जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, आप देखिए स्टूडेंट है, टीचर है, स्कूल है, या स्कूल के बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपके रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब आपको वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम उनको सोच के उनका मतलब उनको अंडरस्टैंड करके हम उसका क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इन आवर डेली लाइफ एवरीथिंग कैन बी टेकन एज एन ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल, हमारी डेली लाइफ में क्या है, कोई भी चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यही बात है ना, कोई भी चीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकती है। दैट बिहेव्स इन अ सर्टेन वे एंड हैज सर्टेन एटीट्यूड्स, जो किसी वे में बिहेव करे, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट स्कूल जाता है, वॉक करता है वो, ठीक है। ये वॉक जो है वो उसका वे है जिसपे वो क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, वॉक कर रहा है। हैज सर्टेन एटीट्यूड्स, उसके पास एटीट्यूड्स भी होंगे, कुछ उसके एटीट्यूड्स भी होंगे। लाइक अब नेम है वो उसका एटीट्यूड है स्टूडेंट का, स्टूडेंट की एज है, स्टूडेंट का फादर नेम है, स्टूडेंट की क्लास है, ये सारे उसकी क्या है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स में आती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल क्लासरूम की बात कर ले, क्लासरूम हमारे पास क्या है, ये भी तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं तो इसका वे क्या होगा, ठीक है। क्लासरूम का वे ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठते हैं, किसी भी क्लासरूम में आए स्टूडेंट बैठे, ये इसका वे है इंटरेक्ट करने का स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। वे वही होते हैं जिससे वो बिहेव कर रहे हो, जिससे वो इंटरेक्ट कर रहे हो। अब इसमें हमारे पास एटीट्यूड क्या होगा क्लासरूम में, क्लासरूम में हमारे पास एटीट्यूड्स क्या है, क्लासरूम के क्या क्या एटीट्यूड्स होंगे। क्लासरूम में हमारे पास बेंच होंगे, बोर्ड होगा, ठीक है, मार्कर होगी, डस्टर होगा, चेयर होगी, ये सारी चीजें क्या है, ये क्लासरूम के एटीट्यूड्स है। इवन स्टूडेंट टीचर ये भी क्लासरूम के एटीट्यूड्स है, ठीक है, क्योंकि वो क्लासरूम में इंक्लूड हो रहे हैं ना, तो वो भी उस क्लासरूम के एटीट्यूड है। अब उसका एटीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, नहीं बल्कि यहाँ पे ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो हमारे पास क्लासरूम में है, और क्लासरूम का एट्रीब्यूट जो होगा वो एट्रीब्यूट उसका ये होगा क्लासरूम नेम। अब क्लासरूम का हमारे पास नेम क्या है, ठीक है, 3, 4, 5, 6 कौन सी क्लास है, CS है, आप आपकी अगर क्लास कंसिडर करें, BSCS है, BSIT है, BSSC है, कौन सी क्लास है, ठीक है। आपकी क्लास का नेम यहाँ पे जो होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे क्लासरूम का एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें अगेन आपको बता देती हूँ, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं क्लासरूम की, और यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या होगा, उसका नेम होगा क्लास का, ठीक है। जो भी जिससे क्लास को आइडेंटिफाई किया जाए, जिससे क्लास को हम रिकॉग्नाइज कर सके कि ये कौन सी क्लास है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास उसका एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है, ये मतलब एज इट इज सारा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपने एक दफा पढ़ना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, मॉडल क्या होता है, और आपके पास स्कोप क्या है, ठीक है, या हम ऑब्जेक्ट्स को क्यों स्टडी करते हैं, इनको आपको एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेपर में भी आपको पता है आपका पेपर भी कॉन्सेप्चुअल ही होगा, तो जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इनको आपने बस रीड आउट कर लेना है जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, इसको रीड आउट भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट इसने बेसिकली यही मेंशन किया हुआ है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वी मूव आवर कंसंट्रेशन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हमारी कंसंट्रेशन किस पे रहती है, ऑब्जेक्ट्स पे रहती है। इन कंट्रास्ट टू प्रोसीजरल पैराडिम, मतलब प्रोसीजरल पैराडिम यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो आपने प्रोग्रामिंग में पढ़े ना, प्रोग्रामिंग में क्या होता था, आप कोई भी फंक्शन बनाते थे, लाइक आप कोई भी फंक्शन बना लो, ठीक है, ऐड का फंक्शन बना लो, ऐड का फंक्शन आप बनाते थे और उसको जाके आप जो मेन होता था ना, वाइड मेन या फिर इंट मेन, जो भी आप लिखते थे उसमें जाके आप उसको कॉल कर लेते थे, ठीक है। ये जो प्रोग्रामिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रोसीजरल पैराडिम। और यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आगे ये इसे इसको डिफाइन भी किया हुआ है कि इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल कोई भी फंक्शन लिखते हैं, कोड करते हैं फंक्शन में और उसको कॉल कर लेते हैं अपने मेन प्रोग्राम में,
ठीक है, ये बात जो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया कि यहाँ पे आपके पास प्रोसीजर पैराडिग्म क्या होगा, ये चीज होगी जो आप करते आ रहे हैं। अब हम जो ऑब्जेक्ट्स के साथ करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है व्हाट इज अ मॉडल। मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, रियल जो हमारे पास चीज जो है वो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हो, और कंसेप्चुअल क्या होगी जो हमारे पास एग्जिस्ट ना कर रही हो, हमें नजर ना आ रही हो, लेकिन वो भी हमारे पास क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉडल है। ठीक है, क्या एब्स्ट्रैक्शन, सॉरी इनकी एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि किसी भी कोई भी हमारे पास आइडिया आ रहा है उसकी क्वालिटी देखना, उसको देखना कि मतलब लाइक वो उस आइडिया के साथ आपने डील कैसे करना। ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी, क्वालिटी डीलिंग विद आइडियाज जो होती है ना, आइडिया के साथ डील करना, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। अब एब्स्ट्रैक्शन में यहाँ पे आइडिया यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्चुअल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट की चीजें होंगी ये हमारे पास रियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे वर्ड जो यूज किया हुआ है वो एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया है, और वो रियल और कॉन्सेप्चुअल दोनों के लिए। ठीक है, बेसिकली ये आपकी क्या है, मॉडल की डेफिनेशन है, कि मॉडल की डेफिनेशन आपके पास क्या है, मॉडल आप किसको कहते हो, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कॉन्सेप्चुअल। We need models to understand an aspect of reality. ठीक है, हमें रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मॉडल की। इसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक पीछे जो हमारे पास था, यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स थे, हमने इसको डील करने के लिए क्या किया, ये बनाया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो हमने चीज बनाई थी, यहाँ पे हमारे पास इंट्रेक्शन इन्वॉल्व थे ऑब्जेक्ट्स के साथ, इसको आप कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास क्या है, मॉडल है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मॉडल की जरूरत पड़ती है रियलिटी को। ठीक है, तो वो जो रियलिटी थी हमारे पास, हमने उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया, मॉडल बनाया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मॉडल्स की, हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है, हाईवे मैप हो सकता है। ठीक है, हाईवे मैप है तो ऑब्वियसली मैप के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो अपने पाथ को। आर्किटेक्चरल मॉडल है, आर्किटेक्चरल मॉडल के थ्रू आप क्या करते हो, आप देख सकते हो कि आपका घर कैसा बनेगा, या कोई भी वहां पे घर में आपने क्या चीजें करनी है, अगर सोफा रखना है तो वहां पे भी आपने मेंशन करते हो, अगर आपने डोर लगाना है तो भी आप डोर को मेंशन करते हो, विंडो को मेंशन करते हो। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप क्या करते हो, एक मॉडल को बना लेते हो। अब मैकेनिकल मॉडल है, मैकेनिकल मॉडल में हमारे पास क्या आते हैं, लाइक अगर आपने कोई मशीन थी बनानी, किसी मशीन का मॉडल डिजाइन करना है, तो उसको आप बोलोगे कि ये आपके पास मैकेनिकल मॉडल है। अब हमारे पास जिस तरह हाईवे मैप्स के लिए हम हाईवे मतलब रोड्स को कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट्स, आर्किटेक्चरल के लिए हम ऑब्जेक्ट्स जो भी इसके अंदर होंगे इसको कंसीडर करेंगे, मैकेनिक्स के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास मशीनरी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, या कौन कौन सी हम यूज कर रहे हैं। सेम लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन मॉडल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो हमारे पास होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स के लिए हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। जिस भी मॉडल में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे हम उसे क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग मॉडल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग मॉडल्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम क्या करें, अंडरस्टैंड कर लें प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम को ऑब्वियसली जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ही हम उसका प्रोग्राम लिख सकेंगे, तो ही हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे। हम प्रोग्रामिंग मॉडल इसलिए बनाते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें, और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड हमने कब करना है, बिफोर स्टार्टिंग डिवेलपिंग इट, उसको डिवेलप करने से पहले पहले, इससे पहले कि वो डिवेलप हो हमें उसको अंडरस्टैंड करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आपके पास क्या होगा, जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट जिसमें हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल वन है। एग्जाम्पल वन में वो हमारे पास क्या कहता है, यहाँ पे ये चीजें हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी इंटरेक्शन आ गई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मॉडल हो जाएगा। ठीक है, पूरे का पूरा हमारे पास क्या हो गया, मॉडल हो गया। ये पीछे आपको मैंने कर दिया है, मतलब डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे इसको मैं अब नहीं करती। हम देख लेते हैं सेकेंड अपना एग्जाम्पल, सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है, या सेकंड जो हमारे पास मॉडल है वो क्या है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इन्होंने टीचर नहीं लिखा, यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकली इसको क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे पीछे उसने ये शो कर दिया था कि ये हमारे पास टीचर है, स्टूडेंट है, बैग है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये बुक, पेन और प्लेग्राउंड। ठीक है, ये सारी हमारे पास चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे पास जो होंगी वो हमारे क्या बन जाएंगे, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, और इनको जब हम आपस में रिलेट करेंगे तो फिर हमारे इंटरेक्शन बन जाएगी। अभी फिलहाल आप जस्ट ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करें।
टीचर है, टीचर का स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन होगा? ऑब्वियसली टीचर जो है स्टूडेंट को टीच कर रहा होगा, पढ़ा रहा होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट का स्कूल के साथ, यानी स्कूल बैग के साथ क्या रिलेशन होगा? कि स्टूडेंट के पास एक स्कूल बैग है, ठीक है, वो उसके पास है, उसकी क्या है, उसकी मलकियत में है। अब पेन जो है वो भी स्टूडेंट के पास है, ठीक है, बुक जो है वो भी स्टूडेंट के पास है, मतलब ये बुक भी इसी में आएगी, स्टूडेंट के पास होगी बुक, ठीक है। और प्लेग्राउंड क्या है, ये भी स्टूडेंट के पास नहीं है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, स्टूडेंट खेल रहा है, ठीक है। इस तरह इनके आपस में क्या है, इंटरेक्शन बन गई है सबकी। अब इसी तरह जिसका वन बाय वन स्टेप मैंने आपको बताया, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका एक मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं इंटरेक्शन के साथ। टीचर ऑब्जेक्ट, टीचर टीच कर रहा है स्टूडेंट को, ठीक है। स्टूडेंट हैज, स्टूडेंट के पास क्या क्या है, पेन, बुक, स्कूल बैग, तीन चीजें हैं उसके पास, ठीक है। तीनों चीजों को आपने एक बॉक्स में नहीं लिखना, आपने इनको अलग अलग बॉक्सेस में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट का एक सेपरेट बॉक्स हो। और स्टूडेंट जो है वो है प्लेज इन प्लेग्राउंड, ठीक है। प्लेग्राउंड में स्टूडेंट क्या है, खेल रहा है, तो ये उसका, उसके साथ इंटरेक्शन बन गई। इंटरेक्शन सारी जो हमने बनाई वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। टीचर टीच स्टूडेंट, स्टूडेंट हैज दिस, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। यहाँ पे थर्ड इंटरेक्शन भी आएगी कि स्टूडेंट्स प्ले इन प्लेग्राउंड, यहाँ पे आपकी मिसिंग है, तो यहाँ पे आपने खुद अपने लिख लेनी है पेन से, ठीक है, कि स्टूडेंट्स प्ले इन प्लेग्राउंड। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस हैं, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हमारे पास बेनिफिट एक तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी ना, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बना सकते हैं, ओओ मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो है, ये फर्स्ट है, सेकंड हमारे पास क्या आएगा, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है, हर कोई इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। देखा आपने, ये हमारे पास मॉडल क्या है, सिंपल सा मॉडल है, हर कोई इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अब जो बंदा कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं है, जिसे कंप्यूटर का अलिफ बे भी नहीं पता, यानी कि ए बी सी भी नहीं पता, वो भी इसको क्या करेगा, मॉडल को जब देखेगा उसे समझ आता है कि ये मॉडल किस तरीके से बनाया है। अभी आप आगे जाके जब देखेंगे ना, जब हम सेम इसी मॉडल को कोड में उतारेंगे, जब हम इसका कोड करेंगे, तो आम बंदा जो है आपका, वो एक कोड जो है, ऑर्डिनरी पर्सन आपका कोड रीड आउट करके उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती कि इस कोड में क्या डिफाइन है, ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। जबकि मॉडल को देख के हर कोई इजीली बता सकता है। यहाँ पे वही मेंशन है, कैन इजीली अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, हर कोई, एवरीवन, मतलब एक सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन जिसके पास कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं है, वो भी बता सकता है कि आपके इस मॉडल में क्या क्या चीज डिफाइन है। थर्ड हमारे पास क्या होगा, वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, हम इसका कोड लिख सकते हैं। इस जो हमने ऊपर ये मॉडल बनाया ना, ये मॉडल बनाया या इससे ऊपर वाला जो बनाया, जो एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू, हम इनका कोड कर सकते हैं इजीली। अब कोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सी प्लस प्लस के कुछ फीचर्स यूज करने पड़ेंगे। अब वो फीचर कौन कौन से है, क्लासेस, इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शंस एंड सो ऑन, ठीक है, मल्टीपल फीचर्स हम इसके यूज करेंगे। अब क्लासेस, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें होती क्या है, ये हम जैसे जैसे इन टॉपिक्स पे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइनली हमारे पास ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आई है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग टेंजिबल एंड समथिंग कंसेप्चुअल। समथिंग टेंजिबल, टेंजिबल का क्या होता है, लाइक कोई भी चीज जिसको आप फिजिकली देख सके, जो इसका कोई मास हो, यानी कि कोई वेट हो स्पेसिफिक, उसको आप कहते हैं कि ये आपके पास टेंजिबल है। अब आप अगर आप इन सारी चीजों को देखें, तो इनका आपके पास क्या है, कोई एक स्पेसिफिक मास है, यानी कि वेट है, ये एग्जिस्ट करती है फिजिकली, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स की बात आए, तो अब कॉन्सेप्चुअल कौन सी चीजें होंगी, होती है, वो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इनको आप फिजिकली देख नहीं सकते, ठीक है। समथिंग कॉन्सेप्चुअल दैट कैन नॉट बी सीन बाय फिजिकली, आप इनको फिजिकली नहीं देख सकते। टाइम है, डेट है, और इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप फिजिकल नहीं देख सकते, वो भी होते, वो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब हर ऑब्जेक्ट आइदर वो फिजिकल है आपका, मतलब सॉरी टेंजिबल है आइदर, और वो आपका कंसेप्चुअल है, उसके पास तीन चीजें होती हैं। पहली उसकी स्टेट, यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये पीछे क्लासरूम के एट्रीब्यूट्स आपको थोड़े बहुत बताए थे, नेक्स्ट अभी आपके कवर हो जाएंगे। सेकंड आपके पास क्या आता है, वेल डिफाइंड बिहेवियर ऑपरेशन।
नेक्स्ट हम जो इसके लिए टर्म यूज करेंगे ना स्टेट के लिए, वो हम एटीट्यूड्स यूज करेंगे, वेल डिफाइंड बिहेवियर के लिए हम ऑपरेशंस यूज करेंगे, मतलब ज्यादा जो टर्म्स यूज होंगी वो ये जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई है ये होंगी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के आपके पास स्टेट होती है, मतलब एटीट्यूड होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद ऑपरेशंस क्या क्या वो परफॉर्म करेगा, वो आपकी चीजें ऑपरेशन होती है, मतलब वो अब अली है वो वॉक कर रहा है, वो सो रहा है, वो जाग रहा है, ठीक है, ये सारे उसके क्या है ऑपरेशन है, और अली क्या है ऑब्जेक्ट है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका नेम उसका एटीट्यूड होगा, उसकी एज, उसका क्लास नेम, ये सारे उसके एटीट्यूड आते हैं। नेक्स्ट उसके यहाँ पे आते हैं यूनिक आइडेंटिटी। यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर ऑब्जेक्ट की यूनिक आइडेंटिटी होती है। अगर आपने एक आइडेंटिटी एक ऑब्जेक्ट को दे दी है ना, तो वो आप दूसरे को नहीं दे सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। इनटेंजिबल कौन से होंगे, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की, लाइक हमारे पास अली है, अली के हम देख लेते हैं कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि उसके एटीट्यूड क्या है, अली का नेम है, एज है, फादर नेम, क्लास नेम, ये सारी चीजें इसके एटीट्यूड होंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट दो मेंशन है, जस्ट आपको बताने के लिए कि ये चीजें क्या आती है, उसके एटीट्यूड्स में आती है, और उसका बिहेवियर क्या है, यानी कि उसके ऑपरेशन क्या है, अली क्या कर सकता है, वॉक, ईट, स्लीप, ठीक है, ये सारी जितने भी एक्शन है ना जो अली परफॉर्म कर रहा है वो आपकी किस चीज में आ जाएगी, वो आपकी ऑपरेशंस में आ जाएगी। अब थर्ड चीज है हमारे पास अली की यूनिक आइडेंटिटी। यहाँ पे अली हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी यूनिक आइडेंटिटी इसकी क्या होगी, इसका नेम। यहाँ पे वी विल आइडेंटिफाई अली यूजिंग हिज नेम, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यूनिक आइडेंटिटी उसकी क्या होगी जिससे हम अली को आइडेंटिफाई कर सके। अब 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसके नेम से उसको कॉल करेंगे अली, ठीक है। अली का नेम जब लेंगे तो ऑब्वियसली ये उसकी क्या है, यूनिक आइडेंटिटी है, दूसरों से उसको क्या कर रही है, डिस्टिंग्विश कर रही है। तो ये जो भी चीज़ दूसरों से उसको डिस्टिंग्विश करे वो उसकी क्या होगी, वो उसकी आइडेंटिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की। अब अली ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी उसका नेम है, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट है कार। अब कार के एटीट्यूड्स क्या है, उसका कलर है, उसका मॉडल है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये इसकी सारी इसकी क्या चीजें हैं, एटीट्यूड्स हैं। और ऑपरेशंस क्या है, कार क्या कर सकती है, एक्सलरेट कर सकते हैं आप उसको, स्टार्ट कर सकते हैं कार को, चेंज कर सकते हैं गियर को, स्टॉप कर सकते हैं कार को, ये सारी चीजें जो भी एक्शन कार परफॉर्म कर रही है ना उसको हम क्या कहेंगे कि ये इसके ऑपरेशंस में आ जाते हैं। अब इसको कार को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किसी भी कार को जनरली सोचे, अब दो तीन कारें जा रही है, ठीक है, मॉडल कलर उनका सेम हो सकता है लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेम नहीं हो सकता। आप कार को आइडेंटिफाई करेंगे उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर से, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। यूनिक है ना, मतलब जो चीज किसी और की ना हो, जस्ट उसी चीज की हो, तो उसको आप क्या कहते हैं कि ये यूनिक है। अब यूनिक आइडेंटिटी क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी कार का है वो किसी दूसरे की कार का नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आप उसको आइडेंटिफाई करोगे रजिस्ट्रेशन नंबर से। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एग्जांपल्स इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम। टाइम के एटीट्यूड्स क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली आवर्स, सेकंड्स और मिनट्स, मतलब इन तीन चीजों में ही हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, ये इसके क्या हो जाएंगे, एटीट्यूड हो जाएंगे। ऑपरेशन इसके क्या होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं आवर्स या गेट कर रहे हैं आवर्स। सेट और गेट क्या है, आपके कीवर्ड्स होंगे, मतलब लाइक सेट आवर्स करने, लाइक जो भी टाइम है ना अभी, जो भी सिस्टम का टाइम है आप उसको सेट कर दे 0 hours पे, तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा 0 hours, और आगे से अगर आप उसकी काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होगी। और गेट आवर्स का क्या मतलब है कि सिस्टम का अभी एग्जैक्ट क्या टाइम है, कितने आवर्स है, वो आप गेट कर लें, वो आप गेट करेंगे तो अगर 1 है तो वो 1 hours हो जाएंगे। इसी तरह सिस्टम जो आपको आंसर करेगा वो कितने से करेगा, 0 से 24 hours तक, 0 hours तो मतलब कोई hours नहीं, 1 से 24 तक करेगा। बेसिकली जो सिस्टम काउंट करता है वो 1 से 24 hours करता है, तो AM PM जो हम 12 hours का लगाते हैं वो हम बाद में लगाते हैं, ठीक है, वो हम खुद से कोड करते हैं। अब वो खुद से कैसे करते हैं, हम लेटर ऑन इस सब को देख लेंगे। इसी तरह जिस तरह हमने सेट किए hours या गेट किए hours, इसी तरह हम सेकंड्स को भी सेट और गेट कर सकते हैं, मिनट्स को भी सेट और गेट कर सकते हैं, ये इनके सारे ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए टाइम में, टाइम की ऐसी क्या चीज है यूनिक जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने टाइम के ऑब्जेक्ट को,
ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सके। देखिए अब टाइम है एक, मतलब अगर हम बोलते हैं आज एक हो गया, मतलब एक और हो गया, 1 आवर हो गया, या फिर 24 आवर्स हो गए, 0 सेकेंड हो, 0 मिनट हो सकते हैं, हो गए, ठीक है। अगर हम टाइम को इस तरह बताते हैं, तो अब जो 24 आवर, 0 सेकेंड और 0 मिनट हो गए, ये बाद में भी होंगे, मतलब ये कोई यूनिकनेस नहीं है। अब ये हो सकता है ये 9 फेब के हो, 10 फेब के हो, 11 फेब के हो, कोई डिफाइन नहीं है कि ये टाइम जो है ये किस डे का है, ठीक है। हर डे का ये टाइम हो सकता है। अब जब चीज हर डे में चली जाएगी तो वो तो ऑब्वियसली उसकी कोई यूनिक चीज नहीं रहेगी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वी विल असाइन आवर ओन जनरेटेड यूनिक आईडी इन मॉडल फॉर टाइम ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम टाइम ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, अपनी कोई भी हम जनरेट करेंगे आईडी। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं हम टाइम के लिए यहाँ पे टी टी ऑब्जेक्ट आईडी बना देते हैं, या हम स्मॉल टी कर देते हैं, ठीक है। या हम T1, T2, T3 कुछ भी हम लिख सकते हैं, या जस्ट हम टाइम लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारी यूनिक आईडी बनेगी। ये हम यूनिक आईडी खुद बनाएंगे जिस तरह हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेट, ठीक है। हमारे पास डेट है, डेट का हम क्या कर सकते हैं, डेट के एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है, ईयर, डे और मंथ, ठीक है। ये हमारे डेट के क्या है, एट्रीब्यूट्स हो गए। और इसके ऑपरेशंस क्या होंगे, डेट के सेट और गेट, ठीक है, सेम सेट और गेट हो सकते हैं डेट के ऑपरेशन। और डेट की भी क्या होगी, कोई भी यूनिक आईडी नहीं होगी। 3 फेब है तो 3 फेब ये 1 साल के बाद फिर से आएगी, ठीक है, और ये रिपीट होती रहेगी, कोई आइडेंटिफाई नहीं होगा कि 3 फेब कौन सी डेट है। इसका जो ईयर है ना आपका, ये आपका हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है कि ईयर जो है ये आपकी क्या हो, ये आपकी आईडी हो, इसको आप आईडी कंसीडर कर लो। लेकिन ये तब होगी जब आप ईयर, डे और मंथ को अलग अलग से इवेलुएट करोगे। जब आप पूरी डेट को देखोगे ना, तो फिर आप डेट की भी कोई खुद से आईडी असाइन करोगे, लाइक डी कर दो, या डेट लिख दो पूरा स्मॉल डी, कैपिटल डी, कुछ भी कर दो, जिस तरह आपने यहाँ पे ऊपर टाइप की, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका जो आपका लेक्चर था, लेक्चर 1, वो यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, तब कि आपने मुझे अपना ओपिनियन जरूर देना है कि हम हैंडआउट्स को ही कंटिन्यू करें, या मैं आपको अलग से स्लाइड बना के वहाँ पे एक्सप्लेन किया करूँ, ठीक है। ये आपने मुझे जरूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।